केंद्र सरकार ने कहा कि देश में कोरोना के जिन 5 टीकों के परीक्षण चल रहे हैं उनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि सरकार दूसरे देशों के टीका निर्माताओं के संपर्क में भी है जिनके परीक्षण अंतिम चरण में है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में 5 टीकों के परीक्षण विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट में एस्ट्राजेनेका टीके के तीसरे चरण का परीक्षण करीब करीब पूरा हो चुका है, सिर्फ फॉलोअप रह गया है। भारत बायोटेक और कैडिला के तीसरे चरण के परीक्षण शुरू हो चुके हैं। रूस में निर्मित स्पुतनिक वी के दूसरे तीसरे चरणों के परीक्षणों की अनुमति दी जा चुकी है। रेड्डीज लेबोरेटरी जल्द इन्हें शुरू करेगा। इसके अलावा एक अन्य टीका का परीक्षण बायोलॉजिकल ई द्वारा जल्द शुरू किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इन 5 टीकों से बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा मॉडर्ना और फाइजर के टीकों को लेकर भी अच्छी खबर है, लेकिन इन टीकों को अभी कभी भी लाइसेंस नहीं मिला। भारत सरकार इनके संपर्क में है। एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि फाइजर के टीके के लिए -70 से 80 डिग्री की कोल्ड चेन की जरूरत होती है। इस टीके के लिए यह इंतजाम करना मुश्किल होगा। दूसरे यह भी देखना होगा कि इससे हमें टीके की पहली डोज मिल पाती है या नहीं, यदि मिलती है तो कितनी मिलेगी। फिर भी हम यह देख रहे हैं कि यदि यह टीका मिलता है तो इसके लिए हम कैसे यह इंतजाम कर पाएंगे। डॉक्टर पॉल ने कहा कि टीकों को लेकर उम्मीद बनी हुई है, लेकिन उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का बयान भी याद दिलाया कि टीका सिर्फ एक जरिया है, सिर्फ टीके से बीमारी से पूरी तरह से बचाव नहीं हो सकता है, इसलिए सावधानियां आगे भी बरतनी होगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।